Student, good morning. So today we are going to continue exercise of chapter number 14, birds come and birds go. Okay. तो जैसा कि आपने ये chapter में समझा था, हमें क्या करना था इस chapter में, इसका concept क्या था, addition और subtraction. ठीक है. So इसके related आपकी maths की workbook में भी question number 1 है add the following, question number 2 है subtract the following. Okay. आपको मैं फिर से याद दिलाने जा रही हूँ कि chapter number 13 में भी हमने यही जो sums हैं वो सीखे थे, मतलब कि प्लस के सम्स और माइनस के सम्स हमने सीखे थे. चैप्टर नंबर 14 में क्या हो जाएगा हमारे की और प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है. तो आपको कैसे करना है एक बार फिर से देख लीजिए और समझ लीजिए, और चैप्टर नंबर 14 के ही ये पेज नंबर 110 पे ये जो सम्स हैं आपको खुद से करने हैं. ठीक है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एड द फॉलोइंग मीन्स कि आपको एडिशन करना है, और खास करके ये जो सिंबल्स है ना, ये प्लस का सिंबल, उसको आपको ध्यान से देखना है. ठीक है. कि आपको क्या करना है. नाउ आपको प्लस करना है, एड द फॉलोइंग है क्वेश्चन का नाम, यहाँ पे भी प्लस का सिंबल है, दैट मीन्स आपको प्लस करना है. ना डिजिट इज रिटन 95 प्लस 4. ओके. आप यहाँ पे जो है डिजिट का भी मिक्सचर देख सकते हो, मतलब कि यहाँ पे नीचे 1 डिजिट का है और यहाँ पे देखो लास्ट वाले सम में 2 डिजिट है. ओके. तो वो तो कैसे करना है आपको पता ही है, वंस और टेंस के रिगार्डिंग. तो पहले वंस वाली लाइन फिर टेंस वाली लाइन. 5 प्लस 4, 5 आपके पास ऑलरेडी है ही, उसमें हमें 4 ऐड करने हैं, दैट मीन्स 5 के बाद 6, 7, 8 एंड 9. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 9. ओके. आपके पास और एक मेथड है, आप 5 लाइन कर सकते हो और 4 लाइन कर सकते हो. कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे कितनी है, 1, 2, 3, 4. फिर दोनों का आप काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो ये आंसर हो गया आपका 9. ओके. नाउ 9 के बाद आप नीचे देखो, कुछ भी आपको ऐड करना है नहीं. सो वो सेम ही रहेगा 9 का 9, क्योंकि ये प्लस है. ठीक है. अब यहाँ पे सेकंड सम है 49 प्लस 9. सो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये कैरी फॉरवर्ड वाले सम है. ठीक है. ये आपको कब पता चलेगा, जब आप ये सोल्व करोगे ना तब. पहले से तो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, मुझे पता है मैंने ये प्लस करके लिखा हुआ है इसका आंसर. बट आपको कब पता चलेगा ये कैरी फॉरवर्ड वाले सम है, तो जब आप इसका फाइनल आंसर फाइनलाइज करोगे तब. सो 49 प्लस 9, सो पहले वंस वाली लाइन फिर टेंस वाली लाइन. सो 9 प्लस 9, आपको टेबल्स भी पता है ना, टेबल्स में भी क्या होता है, रिपीटेड फॉर्म ऑफ एडिशन ही होते हैं, मतलब कि 9 एंड 9 टू टाइम्स है, तो 9 2s are 18 या 2 9s are 18. सो 9 और 9, आप चाहो तो लाइन भी कर सकते हो 9 लाइन और 9 लाइन, या तो फिर 9 के बाद आगे कंटिन्यू 9 लाइन भी काउंट कर सकते हो, दैट मीन्स 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18. अब मेरे पास आंसर क्या आया, 18. ठीक है. सो 18 का 8 जो है मैं यहाँ पे लिखूंगी, और यहाँ पे मैं 1 साथ में नहीं लिखूंगी. क्यों, क्योंकि अभी इसकी काउंटिंग तो बाकी है ना. सो ये 1 को क्या करेंगे, हम ऊपर बोल देंगे कि आप अभी ऊपर जाओ, आपको फिर हम बाद में धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आपको काउंट करेंगे. सो ये आगे वाला जो डिजिट है, टेंस की साइड वाला जो डिजिट है, उसको आगे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. ठीक है. अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया है वहीं से आप काउंट करना स्टार्ट करना. कभी कभी क्या होता है कि फिर आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, फिर यहाँ पे आप लिख दो कि 4 का 4, क्या हो गया. तो ये कैरी फॉरवर्ड हमने ऐसे ही लिखी है क्या, नहीं. तो ये पूरा सम्स जो है आपका गलत हो जाएगा. कैसे, क्योंकि आपने कैरी फॉरवर्ड को तो काउंट ही नहीं किया है. सो नाइन एंड नाइन 18 का 8 यहाँ पे, 1 किया कैरी फॉरवर्ड, 1 एंड 4 5. अब आंसर क्या है आपके पास, 58. ओके. सो ये आपका हो गया करेक्ट. आप जब भी कैरी फॉरवर्ड की डिजिट जो है ऊपर कैरी फॉरवर्ड करो, तो उसी के साथ से ही कंटिन्यू काउंटिंग करना. इससे क्या होगी, आपकी हैबिट हो जाएगी कैरी फॉरवर्ड को काउंट करने की, और आपकी मिस्टेक्स भी नहीं होगी. ठीक है. 8 प्लस 9, और यहाँ पे 18 प्लस 9 हमें करना है. सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डू 8 एंड 9 एंड देन 1, मतलब कि वंस वाली साइड एंड देन टेंस वाली साइड.
8 के बाद 9 काउंट करो, 8 के बाद 9 क्या आएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ओके, सो क्या आया आंसर हमारे पास, 17, तो इसको हम रखेंगे 7 को यहाँ पे, आगे वाले डिजिट को और आगे भेजेंगे, दैट मीन्स 1 को किया कैरी फॉरवर्ड, ओके, आप भी ऐसे याद रख सकते हो कि जो आगे वाली डिजिट आती है जो भी यहाँ के सम्स में, उसको और आगे भेज दो, मतलब कि आगे भेज दो यहाँ पे। फिर 1 and 1, 2, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 18 प्लस 9 क्या आंसर आया आपके पास, 27। नाउ नेक्स्ट 81 प्लस 1, वैसे तो आप ये क्योंकि यहाँ पे सिंपली प्लस करना है तो 81 प्लस 1, 81 के बाद क्या आता है नेक्स्ट डिजिट 82, बट इसको सम्स के तौर पे अच्छी तरह से इसको सोल्व कर देंगे। सो 1 and 1, 1 and 1, 2, 8 का यहाँ पे 8, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में भी ये पूरे मिक्स फॉर्म में है, कहीं पे दो डिजिट जो है वो हमें ऐड करनी है और यहाँ पे पहले जो है वन वन डिजिट ऐड करनी है, ओके। नाउ 66 प्लस 24, दोनों ही दो दो डिजिट के सम से, दैट मीन्स 6 एंड 4 को पहले प्लस करेंगे और देन 6 एंड 2 को, 6 के बाद 4 काउंट करो, 6 के बाद 7, 8, 9 और 10, तो क्या है आंसर, 10। तो अब आपको पता ही है ना क्या करेंगे, 0 यहाँ पे लिखेंगे, आगे वाले डिजिट को बोलेंगे आप और आगे जाओ, दैट मीन्स 1 यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गया कैरी फॉरवर्ड। फिर यहाँ से काउंट करोगे 1 and 6, 7, 7 and 2, 9, सो आपके पास आंसर क्या आ गया, 90। नाउ आई होप स्टूडेंट्स की ये कुछ एग्जाम्पल से आपको कैरी फॉरवर्ड वाले सम्स आपको पता चले हैं। नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, आपको करना है सब्ट्रैक्ट मतलब कि माइनस करना है, आप ये सिंबल भी देख सकते हो। नाउ 79 माइनस 5, तो पहले 10s वाले डिजिट फिर 10s वाले डिजिट, 9 माइनस 5, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, देन वी आर गोइंग टू कट, आपके पास जो है उसमें से हम कुछ डिजिट जो है वो कम करेंगे, यहाँ पे जो भी डिजिट को बोला गया है वो डिजिट हम कट करेंगे, भूलना मत। प्लस में हम क्या करेंगे, एडिशन मतलब कि ऐड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमें करना है माइनस मतलब कि कट करना है, 9 है उसमें से 5 कट करना है, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, 9 आप ऐसे कर सकते हो, आप जैसे 5 and 4, 9 में से कितने कट करने हैं, 5, ठीक है, तो आपके पास कितने बचे, 1, 2, 3 and 4, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, या तो फिर 9 लाइन भी कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, उसमें से कितने कट करने हैं, 5, भूलना मत बच्चों, ये माइनस है तो आपको और 5 लाइन करनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है तो जो आपके पास अमाउंट है, जो आपने लाइन की है, जो आपने काउंटिंग की है, उसी में से हम कट करेंगे, मतलब कि ये 9 लाइन की है तो इसके बाद आगे मैं 5 लाइन नहीं करूँगी, 5 इसी में से कट करूँगी, तो 1, 2, 3, 4 और 5 को कट कर दिया। अब मेरे पास कितने बचे हैं, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 4। अब यहाँ पे 7 है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 7 में से कितने कट करने हैं, कुछ भी आपको कट नहीं करना है, इट मीन्स कि ये एज इट इज रहेगा, 7 में से आपको कुछ कट नहीं करना है, तो 7 का 7, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 74। नाउ 47 माइनस 9, तो पहले ये लाइन और फिर ये लाइन मतलब कि 1s and then 10s, तो 7 में से 9, अब यहाँ पे देखो जो ये 7 है ना और ये 9, मतलब कि 7 जो है वो छोटा नंबर है और 9 जो है वो बड़ा नंबर है, तो क्या छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जो है वो कट होगा, नहीं। आपके पास अगर दो ही पेंसिल है तो आप अपने 3 फ्रेंड को कैसे दोगे, एक ही पेंसिल है सपोज, तो एक है पेंसिल तो आप दूसरे फ्रेंड को कैसे दोगे जब आपके पास इतनी पेंसिल है ही नहीं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, 7 नंबर जो है ये और ये, 7 नंबर जो है वो छोटा है, 9 नंबर जो है वो बड़ा है, ठीक है, सो 7 में से 9 कट नहीं होगा, तो आपको पता ही है हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे, बोरो मीन्स कि उधार लेंगे, कितने मैक्सिमम आप कितने ले सकते हो, रूल है ना एक ये बोरो लेने का, क्या करना है, 10 ही बोरो करना है, तो ऑलरेडी आपके पास 7 तो है ही और आपने कितने बोरो किए हैं, 10, तो कितने हो गए, 17, ठीक है। आपके पास ये जो डिजिट है उसके आगे एक टेंस का मतलब कि टेंस का आप ऐसे 1 भी लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल ये 7 है तो हमको कट करके क्या लिखना है, 17, मतलब ये 7 का 7 तो रहेगा ही, आगे आपने क्या कर दिया है, 10 का बंच जो है वो ऐड कर दिया।
अब 17 में से 9, अब आपके पास है ये ऑप्शन, कैसे? अब आप इजीली कर सकते हो, 17 में से 9 कट होगा, कैसे? क्योंकि 17 जो है वो बड़ा है और 9 जो है वो छोटा है, तो अब ये पॉसिबल है, इसमें से माइनस करना पॉसिबल है। और यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, जब आप ये 17 मतलब 10 बोरो करो तो आगे एक डिजिट कम करना, 3, ये तो आपने पहले सीखा हुआ है ना चैप्टर नंबर 13 में। तो यहाँ पे हमने बोरो किया और आगे जो भी डिजिट है उसके उसमें से एक डिजिट कम हो जाएगी, उसको बोलेंगे कि आपको भी बेवजह पनिशमेंट मिलती है। कभी कभी होता है ना, जैसे आप बेंच पे क्लास में होते हो, आप आवाज़ नहीं भी कर रहे हो और आपके आपके आसपास अपने फ्रेंड्स जो है आवाज़ कर रहे हो, तो मैम जो है पूरे क्लास को फिर पनिशमेंट देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि ये जो है इतने डिजिट नहीं है तो हमने बोरो किया है और आगे वाले को पनिशमेंट दी कि आप एक डिजिट कम हो जाओ। 17 माइनस 9, तो 9 के बाद 17 काउंट करो, या तो फिर 17 में से 9 लाइन को कट कर दो। मैं 9 पे से 17 पे जाऊंगी, ठीक है? तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, दैट मींस 8, और 3 का है 3। यहाँ पे आपको 4 नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि आपने जो डिजिट पनिशमेंट करके बाद में ऊपर लिखी है वही डिजिट यह रहेगी, ठीक है? 48 माइनस 4, 8 में से 4 पॉसिबल है, यस, 8 में से 4 है तो 4 आएंगे और 4 का 4 एज इट इज ही रहेगा क्योंकि हमें कट नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है बच्चों कि जहाँ पे ये कैरी माइनस के सम से तो सब में बोरो आएंगे, प्लस के सम से तो सब में कैरी फॉरवर्ड आएंगे। ये जो एक्सरसाइज है आपकी टेक्स्ट बुक में, आपकी वर्कबुक में भी ये पूरी मिक्स एक्सरसाइज है, ओके? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको ऐसा ना लगे कि जैसे बोरो वाले सम से तो सारे बोरो वाले सम से, सिंपल सम है तो सारे सिंपल सम है, नहीं, ये आपको तब रियलाइज होगा जब आप इसको सोल्व करोगे तब, ठीक है? 72 माइनस 8, यहाँ पे भी देखो फिर से मिक्स सम आ गया। अब जब ये 2 में से 8 मतलब कि 2 है उसमें से 8 कैसे कट होंगे, 2 तो छोटा नंबर है ना और 8 जो है वो बड़ा नंबर है, सो आई विल बोरो 10, मतलब 2 तो हमारे पास है ही, उसमें से 10 का बंच हमने और एक रख दिया तो कितने हो गए हमारे पास 12, ठीक है? आगे वाले को पनिशमेंट देना भूलना मत। 7 है तो क्या हो जाएगा, एक डिजिट कम, 6, क्योंकि इसको हमने बोरो किया है तो आगे वाले को पनिशमेंट तो मिलेगी ही। 12 माइनस 8, 4, 6 का 6। 71 माइनस 1, 1 माइनस 1, ये लाइन को आपको देखना है, वंस वाली लाइन को, 1 माइनस 1 0 और 7 है तो 7। सो ये एक्सरसाइज से आपको पता चल रहा है कि इसमें जो है सारा जो है सब्ट्रैक्शन और एडिशन का पूरा मिक्सचर है, तो आपको ये ध्यान से करना है, भूलना मत बचो। अगर एडिशन है और जहाँ पे कैरी फॉरवर्ड आ रहे हैं तो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, जहाँ पे नहीं आ रहे हैं दैट मीन्स कि वो सिंपल सम है। सेम इन द सब्ट्रैक्शन सम्स, जहाँ पे वो सिंपली कट हो रहे हैं, ओके, ग्रेटर देन और स्मॉलर नंबर के अकॉर्डिंग वो कट हो रहे हैं तो आपको इजीली वो सम्स के आंसर मिल जाएंगे। जहाँ पे छोटे नंबर में से बड़ा नंबर मिक्स कट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, 10 बोरो करना है, मतलब कि आगे एक 10 का बंच लगा देना है और आगे वाले डिजिट को एक नंबर कम कर देना है। 10 बोरो करना है और आगे वाले डिजिट को एक नंबर कम कर देना है, तो फिर आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब कि पूरे के पूरी ये मिक्स एक्सरसाइज है जो कि आपको खुद से करनी है, और ना समझ में आए तो मुझसे पूछना है, ओके बच्चों?